आलिया, काया और अली डिनर करते हैं तो शाही का ज्वाइन करने आती है। तो अली और काया उसको थोड़ा सुनाते हैं उसने जो आलिया के साथ किया। वो कहती है आलिया खुद जाना चाहती थी, मैं क्या करूँ, मेरे अंडर काम नहीं करना चाहती है वो सेक्रेटरी का काम भी कर सकती है मेरे अंडर। आलिया को गुस्सा आता है और दोनों के बीच अनबन होती है। और काया को गुस्सा आता है तो वो और अली डिनर छोड़ के चले जाते हैं बाहर। इधर यिल्दिज़ के घर हालिद और बाकी सब डिनर कर रहे हैं तो ज़हरा और लैला अपने जॉब्स के बारे में बताते हैं तो हालिद उदास हो जाता है। यिल्दिज़ बात संभाल लेती है ये कह के कि इस उम्र में अपने पैरों पे खड़े हो गए तो आगे जाके अपने पापा की तरह अच्छा बिजनेस करना सीखोगे। हालांकि ज़हरा खुश नहीं है अपने जॉब से, पर अपने डैड के सामने खुश होने का नाटक कर रही है। यिल्दिज़ हालिद जान को सुलाने जाती है और हालिद को भी बुलाती है। हालिद को हालिद जान के डायपर बदलने में हेल्प करने के लिए कहती है तो हालिद उसके कहे मुताबिक चलता है। उसे एहसास होता है कि यिल्दिज़ का दिल कितना साफ है। वो उसे शुक्रिया कहता है सब कुछ के लिए। जब सब अपना पीठ दिखा के चले गए, तुमने अपना हाथ बढ़ाया, मेरी हेल्प की, जबकि मैंने तुम पे चिल्लाया, दुख दिया, रुलाया, दिल तोड़ा, देखो आज मैं झुक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आगे पता नहीं क्या हो इसलिए अभी कह दे रहा हूँ। यिल्दिज़ कहती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ बड़ा नहीं किया है मैंने, तुम मेरे बच्चे के बाप हो और तौबा ऐसा मत कहो कि आगे क्या होगा, सब कुछ सही होगा और मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, अब सब भूल जाओ। इधर हालिद के जॉब इंटरव्यू को लेकर ज़हरा और लैला में झगड़ा हो जाता है। लैला कहती है कि क्या बुराई है जॉब में, इस वक्त करना ही पड़ेगा। ज़हरा कहती है जॉब वॉब डैड पे जेब नहीं देता और ना ही हम पे। लैला कहती है मैं भी दुखी हूँ पर कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी तरह गुरूर में नहीं हूँ, हमेशा कंप्लेन करती रहती हो तुम। ज़हरा कहती है रहो फिर गरीबी में। आसमा दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और तभी हालिद सब सुन लेता है। वो रिएक्ट नहीं करता पर हालिद जान के फीवर आने की वजह से सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर शाइका और आलिया में जंग चलती रहती है। शाइका यिल्दिज़ ने हालिद जान के लिए जो दांत निकलने का पार्टी रखा था उसको देसी कहती है। वो कहती है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में थी ना, इसलिए मुझे ये सब ज़्यादा पता नहीं है। आलिया हंसती है और कहती है तुम ये सब नहीं समझोगी, तुम्हें प्यार के बारे में कभी समझ नहीं आएगा, तुम्हारे लिए तुम जैसा कोई मर्डरर आएगा, उसी से तुम्हें प्यार हो सकता है शाइका। अली, काया, कुंवर और आमिर एक पब में एंजॉय करते हैं शांति से, औरतों के झगड़ों से दूर। अली आइडिया देता है काया को कि आप बीमार होने का नाटक करो, शायद वो लोग में थोड़ा सुलह हो जाए और वो लोग लड़ना छोड़ दे। काया ना ना करके हाँ कर देता है। हालिद जान हॉस्पिटल में ठीक होता है। पेमेंट करने हालिद रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ दो रिपोर्टर्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और वो हालिद को रिकॉर्ड करने लगते हैं मोबाइल से। हालिद ने सोना खरीदा था तो उसके दोनों क्रेडिट कार्ड्स में पैसे नहीं होते हैं। वो काफ़ी एम्बेरस होता है। वो रिसेप्शनिस्ट को मैनेजर से बात करने के लिए कहता है कि अगर वो बाद में पे करे। हद है, उसको पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, यिल्दिज़ के पास है, तो क्यों शो ऑफ करना। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे पता नहीं है कि वो बैंक्रप्ट हो चुका है। वैसे ऐसा ही कुछ यिल्दिज़ और आलिया के साथ भी उसने किया था, वही उसे भी भुगतना पड़ रहा है। यिल्दिज़ को ज़हरा बुलाने आती है हालिद को वहाँ से संभालने के लिए। वो जाती है और हालिद को बहाना बना के भेज देती है और पेमेंट करती है, पर वो इन रिपोर्टर्स को नोटिस करती है रिकॉर्ड करते हुए और अपना फेस छुपा लेती है। इधर काया नाटक करते हुए घर में घुसता है कि उसके पेट में दर्द है। आलिया शाही का घबरा जाते हैं। अली कहते हैं और क्या, ये तो होना ही था, आप लोग इतना स्ट्रेस जो देते हो इनको, इसी वजह से हुआ है ये सब। अब आलिया और शाइका और झगड़ते हैं। शाइका कहते हैं मैं अपनी अम्मी का नुस्खा बनाऊंगी। आलिया कहती है कि तुम्हें तो देसी नुस्खे नहीं आते हैं ना, मुझे बनाने दो। अब दोनों मिलके किचन में कंपटीशन करते हैं। इधर काया अली को बोलता है कि देखो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले दिन अखबार पर हालिद का न्यूज़ छप जाता है। आलिया, अली और काया इस पर दुख जाहिर करते हैं, पर शाइका दुखी होने का नाटक करती है, जिस पर काया उसे डांटता है। शाइका कहती है मैं दुखी भी नहीं हो सकती क्या। काया उससे पूछता है कि अभी तक तुमने उसकी खबर ली है क्या। वो कहती है मुझे भी उसने मेरे शौहर के मौत पर ताज़ियत नहीं की। शाइका कहती है वो आज उससे मिलने जाएगी। तो अली और काया उसे मना करते हैं, कहते कि तुम उसे और दुखी कर दोगी, मत जाओ। यिल्दिज़ और आसमा हालिद के न्यूज़ पर दुखी होते हैं। यिल्दिज़ कहती है कि क्यों ना मैं हालिद को यहाँ बुला लूँ। आसमा कहती है कि तुम उसकी हेल्प कर रही हो वहाँ तक ठीक है, पर उसे यहाँ मत बुलाओ वरना तुम्हारा और उसका फिर से शायद कुछ शुरू हो जाए। हालिद भी अपने न्यूज़ पे बहुत गुस्सा होता है। सजीर उसको समझाता है कि जाने दो इनको। वो कहता है मैंने एक जॉब ढूंढा है पास के मार्केट में, वहाँ पे शेल्फ में चीज़ें अरेंज करनी होती है और स्टॉक को डिपोट में भेजना होता है। मैंने आपके लिए भी पूछा है, आपका हिसाब किताब भी अच्छा है तो वो लोग भी आप में दिलचस्पी ले रहे हैं। हालिद हाँ कर देता है। लैला कैफेटेरिया में काम करती है तो अली भी उसे ज्वाइन कर लेता है और उसकी हेल्प करने लगता है, तो लैला को फिर से शायद उसके लिए कुछ फील होने लगता है।